दिल्ली की लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। आपको बता दें, गीतांजलि का यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी शीर्षक रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसे डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में अनुवाद किया गया है। यह 50 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। जूरी के सदस्यों ने इसे शानदार और अकाट्य बताया। यह उपन्यास भारत के विभाजन की छाया में स्थापित एक कहानी है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद एक बुजुर्ग महिला की कहानी को दर्शाता है। गीतांजलि श्री कई लघु कथाओं और उपन्यासों की लेखिका हैं। उनके साल 2000 के उपन्यास माई को 2021 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया था। आपको बता दें, बुकर प्राइज एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में ट्रांसलेट और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को हर साल दिया जाता है। 2022 के पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक की घोषणा 7 अप्रैल को लंदन बुक फेयर में की गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।